हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बेंजिनॉइड एंड नॉन बेंजिनॉइड कंपाउंड। तो देखो, सिंपल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होते हैं बेंजिनॉइड कंपाउंड। और नॉन बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे पता चल रहा है कि नॉन लिखा हुआ आगे से, तो ये एरोमेटिक तो होंगे, जैसे बेंजीन है वो, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं बेंजीन की तरह, पर उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है, तब बोला उसको नॉन बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखते हैं एक बार बेंजिनॉइड के कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद नॉन बेंजिनॉइड का एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले देखो, बेंजिनॉइड कंपाउंड या बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। दे कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल आपको पता ही होता है, बेंजीन है इटसेल्फ, ये देखो ये बेंजीन है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, तो ये सभी के सभी आप देख सकते हो इनमें बेंजीन रिंग है, तब इनको क्या बोलते हैं? बेंजिनॉइड कंपाउंड। एंथ्रासीन और भी होता है, एक फिनेंथ्रीन भी है, यहाँ से जुड़ी होती है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा डबल के बाद, देखो कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, डबल के बाद डबल नहीं आ सकता है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। ये है हमारा फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन तो ये है हमारे क्या? बेंजिनोइड कंपाउंड, क्योंकि देखो बेंजीन रिंग इन कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब क्योंकि नॉन, सो क्या लिखा है? बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड लिखा है, तो ये सबके सब एरोमेटिक होते हैं, इतना याद रखो। एरोमेटिक कैसे होते हैं? इससे पहले मैंने हकल रूल आपको समझाया था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने सिखाए थे। तो उसके हिसाब से क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड प्लेनर है, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब कि डबल के बाद सिंगल हो, ठीक है, वो सब बताया मैंने वीडियो में, देख सकते हो आप। दूसरा, वो प्लेनर होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है, वो कंडीशन है कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल मतलब बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन दो होंगे, टू पाई इलेक्ट्रॉन हो तो चलेगा, सिक्स चार चार ऐड करो, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कंडीशन फॉलो करे कोई भी कंपाउंड, तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देख सकते हो, सिंपली देखो कितने पाई बॉन्ड है, देखो सबके सब प्लेनर है, नंबर एक चीज बता रहा हूँ, सब में देखो कंजुगेशन है, डबल के बाद सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, दूसरे भी फुलफिल कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, पाई बॉन्ड गिनो। सबसे पहले एक, कितने पाई बॉन्ड है? तीन पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? कितने कितने हो गए? तीन पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या होगा हमारा? एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे इसको देख सकते हो आप, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड है तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। इसमें देखो कितने कितने, 3 5 7 14, तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। सेम ये भी क्या है? एरोमेटिक। तो ये तो है सबके सब बेंजिनॉइड, बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो नॉन बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं,
नॉन बेंजिनॉइड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें बेंजी रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो याद रखना। तभी बोला नॉन बेंजिनॉइड, नो बेंजीन रिंग। नॉन बेंजिनॉइड में नो बेंजीन रिंग, पर फिर भी एरोमेटिक होंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहला एग्जांपल है ये वाला, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये देखो इसमें भी देख सकते हो आप, साइक्लो ब्यूटाडाइनल कैटाइन, ठीक है, साइक्लो ब्यूटाडाइनल कैटाइन। इसको देख लो, साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन, ठीक है। तो सबके सब देखो आप, इसमें भी बेंजीन नहीं है, इसमें भी बेंजीन नहीं है, इसमें भी बेंजीन नहीं है, और भी हो सकते हैं। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये कंपाउंड नहीं बनेगा अभी, इसको अभी बनाते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, तो देखो सबसे पहले ये एरोमेटिक क्यों बोला इनको, अब देखो सबसे पहले कंडीशन वही है कि ये भी कंजुगेटेड होनी चाहिए, तो कंजुगेशन तो है ही, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें भी देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक, यहाँ देखो डबल सिंगल नेगेटिव, ये सबके सब कंजुगेशन की कंडीशन है, और सबके सब ये प्लेनर है, ठीक है, सबके सब ये प्लेनर है। प्लेनर हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। और इसको देखो आप, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो जो नेगेटिव चार्ज है इसके भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, एक मिनट फोन आ रहा है। तो देखो इसके भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। पर क्योंकि इनमें बेंजीन नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग नॉन बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और भी हो सकते हैं। देखो बन नहीं रहा है, सॉरी, इसी दिन बनते हैं। ये देखो साइक्लोप्रोपेनॉन, इसको देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉन। अब साइक्लोप्रोपिनॉन, हाँ, इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनॉन, साइक्लोप्रोपिनॉन, ये भी एरोमेटिक है। देखो अब ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि ये एरोमेटिक है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तो सिंपल है कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो जो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है ऐसे। तो अगर मैं इसको रेजोनेंस के थ्रू शो करूँ तो ऐसा बनता है, देखो ऐसे ऐसे, ऑक्सीजन पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसकी इसके रिंग के अंदर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कंजुगेशन भी है, देख सकते हो, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। और देखो क्यों नहीं भर रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है।
ये है ठीक है, इसको भी बना रहा था मैं, बन नहीं रहा मेरे से, एक मिनट देखो इसको। जैसे ये है एक दो तीन चार, अब देखो एक दो कितने कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें देखो डबल फिर डबल फिर डबल ठीक है। अब ये कार्बन है सबके सब, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं ट्रो पाइलियम आयन, बोलते हैं टू पाइलियम आयन ठीक है। इसमें भी देखो ये भी एरोमेटिक है, आपको ये तो पता है कि ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है क्योंकि तो इनमें किसी में भी बेंजीनिंग नहीं है। तो इसको देखो ये ट्रू पाइलियम आयन, इसमें देखो सबके सब ये सबके सब क्या है, ये सबके सब हैं प्लेनर, इतना बता रहा हूँ। कंजुगेशन है कि नहीं है देखते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो सबके सब ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड है ठीक है। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, और जो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है आपको पता है कि ये क्या होते हैं एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक है ठीक है। इसको देखो ये ट्रोपोन, अब इसमें क्या है सेम वही करना है जैसे अभी मैंने साइक्लोप्रोपिनोन में किया था, तो ये बॉन्ड यहाँ को माइग्रेट करेगा, इससे क्या बन जाएगा ये से क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन पर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड कहाँ को शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। तो आप खुद समझो कि इसमें भी कंजुगेशन अब आ गया ठीक है, कंजुगेशन आ गया इसके अंदर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक ठीक है। सेम यहाँ पर भी ट्रोपोलोन देखो, इसको बॉन्ड भी यहाँ को माइग्रेट करोगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा ऐसे ही ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक ठीक है। यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब देखो इसमें से ये जो पाई बॉन्ड है, अगर मुझको इस पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाना है, इस रिंग की तरफ घुमाना है, जिससे दोनों इस रिंग में भी और इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ जाए ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अगर मैंने इस बॉन्ड को यहाँ को माइग्रेट कर दिया ऐसे घुमा दिया, तो क्या होगा देखो ये ऐसे 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 बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल सॉरी डबल, यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ऊपर हो गया, और ये इस नीचे वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है। अब इस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, एक दो जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर दो पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन रिंग, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गए, और उसमें कंजुगेशन भी है प्लेनर भी है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया देखो रिंग ऐसे ही, ये भी एरोमेटिक बन गई ठीक है, और ये भी एरोमेटिक बन गया, टू पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन है, ये भी एरोमेटिक बन गया ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ को घुमाता तो ये बन जाता आपका क्या बन जाता, फिर सब फोर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते यहाँ को घुमाने से, और इस पर आ जाते सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है, इस पर आ जाते फोर पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रह जाते, तो ये भी ये क्या बन जाता, ये बन जाता हमारा नॉन एरोमेटिक, ये भी सॉरी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक बन जाता, इससे अनस्टेबल होता है ठीक है कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी के लिए पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाना है जिससे दोनों रिंग में क्या जाए, दोनों के दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये हो गए बेंजिनोइड, पहले मैंने बेंजिनोइड कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है।